आप देख रहे हैं बीएनएम भारत लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएनएम भारत लाइव में। जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 9 स्थित एक दिन पहले निजामपुर के पास एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने जब इसमें गहनता से जांच की तो इसका मास्टरमाइंड खुद फायरिंग में घायल व्यक्ति ही निकला। आपको बता दें कि दीपचंद, जो मूल रूप से मानिकपुर थाना डिब्रूगढ़ जनपद डिब्रूगढ़ असम का रहने वाला है, जिसका देहरादून में सत्यम वेद नाम के व्यक्ति से ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसमें अपने प्रतिवादी सत्यम वेद व उसके परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ऊपर फायरिंग की घटना को यहां पर अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस की सही जांच व तत्परता से पुलिस ने महज इस घटना का खुलासा एक दिन बाद ही कर दिया और पुलिस ने आरोपी दीपचंद अग्रवाला सहित उसके दो साथी धनजीत कोलिटा और आसिफ को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि मेरा प्रतिवादी सत्यम वेद के साथ रायपुर देहरादून में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। विवादित जमीन को बेचने का सौदा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर 9 अक्टूबर की रात में अपने ऊपर फायरिंग करवाई थी, जिसमें सत्यवेद व उसके परिवार वालों को फंसाकर उन लोगों पर दबाव बनाने के बाद जमीन को बेच सकूं। लेकिन पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब तीनों को जेल भेजा जा रहा है। हापुड़ से जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, 9 तारीख की रात को एक सूचना मिली कि कुछ दो व्यक्ति एक स्विफ्ट डिजायर कार में जा रहे हैं और कोतवाली में निजामपुर के पास में इनके ऊपर फायरिंग करी गई। एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी थी, कंधे के पास बाजू में, और बताया कि काले रंग की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति थे जो गोली मारकर उसे चला गया। 112 में सूचना मिली थी, पहले 112 पहुंची, उसके बाद में पुलिस ने तुरंत ही इनको जो है मेडिकल असिस्टेंस इनको उपलब्ध कराई और इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया देहरादून में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध। बाद में जब इनसे पूछताछ करी गई तो धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि ये इन्होंने अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए, जिनसे इनका देहरादून में विवाद चल रहा है, इन्होंने एक साजिश रच के और कुछ सहारनपुर कुछ देहरादून गढ़ में कुछ हापुड़ नगर में इस तरीके से कई जगह पर साजिश रच के एक पूरा प्लॉट तैयार किया, जिसके आधार पर स्वयं अपने ऊपर ही एक शूटर बुलवा करके उससे फायर करवाया और उसके बाद अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए ये कार्रवाई रची है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त तमंचा, ये इनकी बरामदगी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की।